चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बताया आपको कि आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कल से शुरू हुआ, आज उसका दूसरा दिन है और आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा। वित्त मंत्री तरुण भनोट इस बजट को पेश करेंगे, तो वहीं यूरिया को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। तो बताए कि आज दूसरा दिन है विधानसभा का और विधानसभा में हंगामे के भी आसार है। विधानसभा में अनुपूरक बजट आज पेश होगा, वित्त मंत्री तरुण भनोट इस बजट को पेश करेंगे, साथ ही यूरिया का मुद्दा जिसके चलते सदन में हंगामा हो सकता है, यूरिया को लेकर सदन में हंगामा भी हो सकता है। इसके अलावा आज अनुपूरक बजट पेश होगा, वित्त मंत्री तरुण भनोट इसे पेश करेंगे। कल से सत्र शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन है विधानसभा का, आज दूसरा दिन है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और यूरिया को लेकर भी सदन में हंगामा हो सकता है। इसके अलावा आज आपको बताएं कि वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे, तो अनुपूरक बजट पेश होगा और आज दूसरा दिन है। बता दें आपको कि ये जो सत्र है वो 7 दिन चलेगा और 5 बैठकें होंगी। 23 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा और इन 7 दिनों में 5 बैठकें होंगी। कल से ये सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का शीतकालीन सत्र और 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। 7 दिनों में 5 बैठकें होंगी और आज अनुपूरक बजट पेश होगा, वित्त मंत्री तरुण भनोट इस बजट को पेश करेंगे। साथ ही यूरिया का मुद्दा जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में छाया हुआ है कि यूरिया की कमी प्रदेश में है, इसे लेकर भी सदन में हंगामा हो सकता है। तो 7 दिनों तक ये सत्र चलेगा और कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आज इसका दूसरा दिन है और आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा, साथ ही हंगामे के भी आसार है क्योंकि यूरिया को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपेश अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपेश जी, आज हंगामा हो सकता है विधानसभा में, साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश होगा, क्या अपडेट्स? आज विधानसभा का आज सत्र का दूसरा दिन है। इस सत्र में कई विधेयक हैं और खास बात यह है कि इस सत्र के दौरान आज के दिन यूरिया पर चर्चा भी होगी और जो ओला पाला से किसानों की फसल बर्बाद हुई है उस पर भी चर्चा कराई जाएगी। इसको कार्यसूची में शामिल किया गया है क्योंकि ये मुद्दा रहा है बीजेपी का और कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना के चलती रही है। अब चूंकि सत्ता पे कांग्रेस है और बीजेपी अब सड़कों पर है, बीजेपी का आरोप है कि सरकार किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ओला पाला से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जी बिल्कुल दीपेश जी, और ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो इस सत्र में देखे जाएंगे जिसके चलते हंगामा भी हो सकता है? हाँ जी, क्योंकि ये मुद्दा ये बीजेपी का मुद्दा है और बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी सदन में सरकार को घेरेगी और पूरा घेरने का प्रयास करेगी। बीजेपी ने विधायकों से कहा है कि सभी विधायक सदन में मौजूद रहें, तो बीजेपी पूरी रणनीति के साथ हाउस में जाएगी। जी चलिए शुक्रिया दीपेश जी तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और किस तरीके से सदन में हंगामा करना है, उस सरकार को घेरना है, किस तरीके से किन मुद्दों को शामिल करना है, इसकी पूरी रणनीति बीजेपी ने भी बना ली है। तो वहीं जो कांग्रेस भी है वो भी पूरी कमर कस चुकी है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है। लेकिन आपको बता दें कि आज विधानसभा का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, साथ ही यूरिया का मुद्दा जिसे लेकर काफी दिनों से चर्चाएं हो रही हैं, केंद्र सरकार पर भी प्रदेश सरकार ने हमला बोला कि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यूरिया नहीं पहुंचाया जा रहा है जिस वजह से किसान परेशान है, इसे लेकर भी हंगामा हो सकता है। तो बताएं कि विधानसभा का आज दूसरा दिन है और कल से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, 7 दिनों तक ये सत्र चलेगा, 5 बैठकें होंगी, 23 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है और आज जो है अनुपूरक बजट पेश होगा, वित्त मंत्री तरुण भनोट इसे पेश करेंगे और हंगामे के भी आसार हैं।